नमस्कार प्रणाम मगहिया जवान से मैं गौतम सिंह राजपूत। माई जी हाँ, जुबली स्टार, सिल्वर स्टार और जो कह लीजिए रिकॉर्ड स्टार, मतलब जितना भी नाम दीजिए ना कम है। हमारा हर एक कहानी की किस्सा है। दिनेश लाल यादव जी निरहुआ के लिए, निरहुआ जी का एक ट्रीजर लॉन्च हुआ था और शायद आज ही जियो सिनेमा पे फिल्म रिलीज हो चुका है। माई फिल्म का नाम है और पवन सिंह का हर हर गंगे का चर्चा तो खूब है, खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 का भी चर्चा खूब है, लेकिन इस फिल्म का चर्चा थोड़ा लोग इसलिए कम किए कि शायद जिस दिन पवन सिंह का हर हर गंगे का ट्रीजर आया उसी दिन इसका भी ट्रीजर आया था। तो यूट्यूबरों की कहानी है कि भैया एक दिन अब दर्जन वीडियो करके तो हर फिल्म का रिव्यू नहीं कर सकते। ये फिल्म को देखिए, माई और दिनेश लाल यादव निरहुआ का जहाँ एंट्री हो जाए और फिल्म सिल्वर जुबली और जुबली अवार्ड ना ले तो फिर एक्टिंग काहे का। हमारा जिंदगी के अनमोल हिस्सा है हमारे भाई। हालांकि आज भी पूरे इंडस्ट्री में, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री, हाँ मल्टी टैलेंटेड एक्टर आप रवि किशन की तुलना हम नहीं करेंगे, लेकिन आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं लिया ना जो निरहुआ के एक कदम पीछे भी खड़ा हो जाए। औकात नहीं है कुछ भी। राजीव काम का भैया, एक्टर मतलब नहीं रहा हुआ। आज भी अपने इतने बड़े उम्र में कह रहा हूँ, एक अनुभव छोटा सा शेयर आप सबके बीच कर रहा हूँ कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का आज भी 20 से 25 फिल्में मैं देखा हूँ, लेकिन अगर पवन खेसारी की बात किया जाए तो शायद एक भी पूरा फिल्म शुरू से अंत तक नहीं देखा हूँ। दिनेश लाल यादव जी का फिल्म है माई, और जब फिल्म का नाम ही है माई, और अभी मदर्स डे भी था, है ना, मातृ दिवस अभी गुजरा है ना 2 दिन पहले, तो आप सबको पता है कि इतनी बेहतरीन फिल्म, हालांकि इनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस की भूमिका इनकी खास एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे जी हैं, और अम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ियां ही खूब कमाल करती है, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे कि निरहुआ जी, अम्रपाली दुबे तो रजिस्टर्ड आपकी एक्ट्रेस है, कभी दूसरे औरों के साथ भी काम कर लिया कीजिए, कहे कि हो सकता है कि और 4 चांद लग जाता। हालांकि 4 चांद तो लगा ही है पिक्चर में, अन्य पुराने एक्ट्रेस इसमें नजर आ रही है। माँ के रोल करने वाले भोजपुरी में काफ़ी बेहद पुराना वो लेडीज हैं, और अवधेश मिश्रा जी हैं। अवधेश मिश्रा नाम कौन नहीं सुना है जी, भोजपुरी जगत में एक अलग पहचान देने वाले जो विलेन निगेटिव किरदार निभाते हैं, बाबुल जैसे फिल्म दिए थे अभी, धुआं धुआं हो गया था, इसी को कहते हैं गनवा तो महाराज, 5 मिनट और 3 मिनट के गाना में धुआं धुआं कहना या बोलना उसको धुआं धुआं नहीं कहते हैं। तमाम फिल्में मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ की ही चर्चा किया गया है। निरहुआ जी एकदम नॉर्मल वेशभूषा में भिक्षा मांगते नजर आते हैं, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाती है, और प्यार तो लगता है कि वो अम्रपाली दुबे से ही करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ निगेटिव रोल में सामने से हैं अवधेश मिश्रा जी, तो खूब जुगलबंदी दोनों का देखने को मिलेगा, अम्रपाली दुबे निरहुआ जी का, और सामने से खटास और मारधाड़ भी नजर आएगा जैसा ट्रेजर में दिख रहा था। तो जियो सिनेमा पर जाकर फिल्म को देखिए, और तो जानिए ना कि पर्दा पर फिल्म कितना चल रहा है हमारा, जो OTT प्लेटफॉर्म पे सारे फिल्में का प्रमोशन भी हो रहा है और चल भी रहा है, लेकिन माई प्राइड ऑफ भोजपुरी ऐसा कुछ करके नीचे में लिखा हुआ था, देख चलते हुए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फिल्म को देखिए, जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ, अगर भोजपुरी को किसी सुपरस्टार ने पहचान दिया फिल्मों को लेकर तो इकलौता स्टार है वो, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ। हाँ, आजकल भले लकीर पर चल चल के कॉपी पेस्ट करके खेसारी और पवन थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाकर हर हर गंगे और संघर्ष 2 जैसे मूवी को लाकर अपने एक्टिंग को लोहा मनवाना चाह रहे हैं, तो वाकई शुभकामनाएं पवन खेसारी दोनों स्टारों को। और ये स्क्रीनशॉट चलते हुए दिख रहा होगा, शायद पहली दफ़ा ऐसा कोई भोजपुरी स्टार स्पेशली पोस्ट किया है, जी हाँ हम बात कर रहे हैं रितेश पांडे जी का, ये तीनों फिल्म की चर्चाएँ करके पोस्ट किए हैं कि ऐसे फिल्म हम सबको देखना चाहिए, भोजपुरी बदल रहा है, और बदल तो सही रहा है जी, चोली ढोली जो अनमा होना कम हो गया है, बदल तो सच में रहा है। उम्मीद करते हैं हम तमाम यूपी बिहार और झारखंड के रहने वाले लोग जहां भोजपुरी के 80% श्रोता हैं, तो उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी बदले और संस्कृति भी बदलेगा, फिर मान सम्मान भी कलाकारों को मिलेगा, और शायद इट्टा पत्थर फिर स्टेज पे ना चलेगा। बाकी जाते जाते कहना चाहेंगे माई दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म को जरूर देखिएगा। विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय भगत जय बिहार रहेगा।